Hey guys, welcome or welcome back to my channel Miss Imperfectionist. My name is Zalia. I really appreciate if you take a moment to subscribe to my channel and press the bell icon. So we'll switch to Hindi. So main start kar rahi hu mera makeup priming se. Priming is very much important. Priming के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज डू चेक. अगर आपका पोज मिनिमाइजिंग प्राइमर चाहिए तो ये बहुत अच्छा है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ब्लू हेवन का है. 300 का इसका प्राइस है, बट आपको ये ऑफर में मिल जाता है, मैंने अमेजोन से लिया है. आप जो है कप्सिल लैशेज अमेजोन या अदर इंस्टा शो से भी ले सकते हैं. सो मैंने उसको अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लिया है. फिर मैं यूज कर रही हूँ लिप बाम के लिए मैं यूज कर रही हूँ वादी हर्बल्स का लिप बाम, ऑरेंज फ्लेवर का. आई लव दिस लिप बाम. ये मुझे जो है ऐसा मुझे लगता है जो कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है. इसके बाद एनवाई बी का कलर करेक्शन वाला यूज कर रही हूँ मैं. शेड वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या तो स्क्रीन पे दे दूंगी. सो इसी के साथ जो ब्रश आया था मैं उसी के हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ. तो आप फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं. कलर करेक्शन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, या तो आई बटन पे या तो मैं लिंक दे दूंगी. प्लीज यू चेक कि आपको कौन से स्पॉट्स के लिए किस चीज के लिए क्या कलर करेक्शन यूज करना है. मैंने चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया है, सो इट विल बी इजी फॉर बिगनर्स. सो जो भी माउथ के अराउंड मेरा ब्लैकनेस है या जो फेस पे है, सब जगह मैं अप्लाई कर लूंगी. सेम आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर मैं उसको ब्लेंड कर लूंगी. और मैंने 100 रुपीज मेकअप चैलेंज भी किया है, और मैं इसके लिए एक अलग से हॉल भी लाऊंगी. मैंने पर्पल का हॉल भी किया है. सारी चीज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, चेक कर लेना प्लीज. और मैंने ओवल ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड किया है. मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया है ओवल ब्रश का, तो वो भी आप प्लीज चेक कर लेना. मैं सेम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. फिर इसको जो है मैं सेट करने के लिए वेटिंग वाइल्ड का कैरमल टॉफी वाला जो कॉम्पैक्ट शेड है वो यूज कर रही हूँ. हल्का सा जस्ट थोड़ा सा चाहिए आपको सेट करने के लिए. मैं ये ट्रिक इसलिए यूज करती हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन जो है वो कलर करेक्शन के साथ मिक्स ना हो. फिर हम करेंगे फाउंडेशन. मैंने फिटमी का 310 शेड नंबर लिया है, और मैं उसको अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूंगी, और देन सेम ओवल ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूंगी. ये ब्रशेस बहुत अच्छे हैं गाइस, मैंने बहुत कम रेट में कुछ 1 और 1.5 ईयर पहले लिया था. अभी भी आपको ऑलमोस्ट कम रेट में मिल जाएंगे, बट आपको ये जो है 10th का सेट मैंने लिया था, इसका जो रिव्यू है मैंने दिया है, ये बहुत अच्छे से लाइक ब्लेंड करता है, डेंस है, इसकी वजह से बहुत ग्लाइड होता है आपके फेस पे. अगर आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा. सो आई लाइक दिस ब्रशेस. फुल रिव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक. फिर उसको नेक पे भी आप लगाना नहीं भूलना. नेक पे भी आपको लगाना है तो फेस और नेक का आपको कलर अलग लगेगा. तो अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. देन सेम यही कंसीलर का शेड लेके जो है मैं कंसील कर लूंगी. जो भी अपना हाईएस्ट पॉइंट है जिसपे हम कंसीलर यूज कर सकते हैं करते हैं, उस पर मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी. देन मैं ब्लेंड कर लूंगी, जैसे कि अंडर आई एरिया पे, अराउंड माउथ, अराउंड नोज. अगर आपको हाईलाइटिंग करना है तो ब्रिज ऑफ द नोज पे भी करना है, फॉरहेड पे भी करना है. तो जो अभी है मैं एज अ आई शेडो बेस अप्लाई कर रही हूँ, तो उसको मैं आईब्रोज को शेप देते हुए पूरा ब्लेंड कर रही हूँ. तो वो छोटे ब्रश का मैंने इस्तेमाल किया है. फिर इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने जो है डेंस ब्रश लिया है ओवल, फिर उससे मैं अपना ब्लेंड कर रही हूँ. देन अभी हम जो है आई मेकअप की तरफ बढ़ेंगे. तो मैंने जो है आईब्रो फिल कर लिया है ब्राउन एंड ब्लैक कलर और थोड़ा ग्रे कलर मिक्स करके. जैसे भी आपको कलर चाहिए वैसे आप मिक्स कर सकते हैं अपने आई शेडो के, और आप अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं. मेरा तो वैसे बुशी है, इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा फिल करके उसको शेप देती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ. और फिर मैंने उसको स्पूली से सेट कर लिया है. उसको थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए मैंने सेम कंसीलर की हेल्प से इसको थोड़ा सा मेरे आईब्रोज के एजेस को क्लीन किया है स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से. वैसे वो सेम ब्रश उसके साथ ही आया था किट के साथ. फिर कॉन्टोर के लिए सेम ब्रश की हेल्प से मैं कॉन्टोरिंग फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. वैसे आपको कॉन्टोरिंग थोड़ा और ऊपर अप्लाई करना है, मैंने थोड़ा नीचे अप्लाई किया है. देन मैं उस कॉन्टोरिंग पे अप्लाई कर रही हूँ, उस पर अप्लाई कर लूँ. जो भी जगह पे आपको कॉन्टोरिंग चाहिए वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, देन आप उसको ब्लेंड कर लीजिए. सो वो बेटर रहेगा आपके लिए.
ब्लेंड करने के लिए सेम ऑयल ब्रश आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया, और ये आपको लाइट कॉन्ट्रोलिंग इफेक्ट देता है, तो अच्छा है अगर आप इसके ऊपर पाउडर कॉन्ट्रोल से सेट करेंगे तो थोड़ा शार्पनेस भी आएगा और वो सेट भी हो जाएगा। ऐसा ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ, आई डोंट नो मे बी सब करते हैं लेकिन मैं करती हूँ तो मैंने बता दिया। फिर मेरा डबल चिन उसको हाइड करने के लिए भी मैं कॉन्ट्रोल करूँगी। देन जो है मैं नोज को कॉन्ट्रोल करने के लिए थोड़ा पतला ओवल ब्रश है जैसे कि टूथ ब्रश जैसा वो है जो है इस्तेमाल करके मैं उसको कॉन्ट्रोल करूँगी। देन मैं जो है अपना फेस सेट करने के लिए और आइस सेट करने के लिए मैं जो सेम मटेरियल का कॉम्पैक्ट ब्रश है वो इस्तेमाल करूँगी, कॉम्पैक्ट शेड है सॉरी वो इस्तेमाल करूँगी। देन ये स्पंज के जैसे मैं अंडर आई को बेक करूँगी और जहाँ जो भी एरिया मुझे बेक करना है वो एरिया मैं बेक करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज। आप चाहिए तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर मेरे जो माउथ के अराउंड भी स्वेट होता है तो मैं उधर भी इसको सेट कर लूँगी एंड थोड़ा सा बेकिंग करते रखूँगी। मैंने एंगल फ्लफी ब्रश लिया, उस पर मैंने ब्राउन कलर लिया है थोड़ा सा और मैंने उसको क्रीज पे अप्लाई कर लिया है। मैंने अच्छे से उसको अप्लाई किया है और मैंने उसको एज आउटर भी थोड़ा सा अप्लाई किया है, तो सेम जब तक कि मुझे डिजायर कलर नहीं मिलता मैं सेम वही अप्लाई करती रहूँगी। देन मैंने पेंसिल ब्रश पे ग्रे कलर लिया है और जो इनर पार्ट है उस पर मैंने ग्रे कलर अप्लाई किया है जब तक कि मुझे डिजायर कलर नहीं मिल जाता। सेम पेंसिल ब्रश आप चाहे तो फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ब्रश में इतना पिगमेंटेशन नहीं आता है मैट कलर्स का, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू आपको कैसा करना है। तो मैंने फिंगर के ऊपर जैसे कि अभी अप्लाई कर लिया है तो वैसा मैं बार बार करती रहूँगी जब तक कि मुझे एग्जैक्ट डिजायर कलर नहीं मिल जाता। अगर मुझे डिजायर कलर मिल गया तो फिर उसके बाद मैं नहीं अप्लाई करूँगी। आप चाहिए तो इसके नीचे एक बेस अप्लाई कर सकते हैं बट मैंने डायरेक्ट जो है आई शेडो ही अप्लाई किया है। बेस अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा पॉपअप करेगा आपका जो है कलर वो। फिर जो है मैंने एक फ्लफी ब्राउनिंग ब्रश लेके अच्छे से जो है हार्श एजेस को ब्लेंड कर लिया है। मैंने इस प्रकार का मिनी पैलेट लेके वाइट थोड़ा सा लाइक शिमरिश कलर है ना शाइनी कलर है उसको लेके मैंने अपने पूरे इनर आई लिड पर अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं फिंगर की तरफ से अप्लाई किया है मैंने। थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा लाइट लग रहा है वो, बट मुझे थोड़ा सा और ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए था बिकॉज ये हमारा पार्टी लुक है। तो मैं इसके ऊपर जो है स्विस ब्यूटी का मिडनाइट ट्विंकल का पैलेट का ग्लिटर अप्लाई किया। इसका मैंने फुल स्वॉचेज एंड रिव्यू दिया है, सेम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक। अगर आपको ये वीडियो सो फार अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फिर मैं सेम फिंगर की हेल्प से जो है ग्लिटर लेके अप्लाई किया है। ज़्यादा ग्लिटर नहीं लेना है आपको स्टार्टिंग में, थोड़ा कम कम लेना है, फिर उसको बिल्ड करना है और आपको जैसा एग्जैक्टली चाहिए मुझे थोड़ा स्टारी लाइक रहता है ना वैसा अप्लाई करना था, जैसे कि सब जगह हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ग्लिटर लगे, मैंने वैसा थोड़ा 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 लेके उसको पूरे आईलिड पर अप्लाई किया है। वो ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज अभी ये पार्टी लुक आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आपके ऑफिस पार्टी में, आपके घर में कोई पार्टी है, वैसे भी मोस्टली अभी हम बाहर नहीं जा रहे तो घर में कोई पार्टी है, घर में कोई फंक्शन है, शादी है, बर्थडे है, कोई भी चीज़ है आप कैरी कर सकते हो या तो इवेंचुअली आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो इसको। फिर मैंने जो है आई लैशेज लगा लिया है और मैंने आई लाइनर से लैश बैंड भी हाइड कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर पर आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और देन उसके बाद मैंने वाइट काजल अप्लाई किया है, ये स्विस ब्यूटी का वाइट काजल, आई एम सॉरी मिस क्लेयर का वाइट काजल है ये। एंड देन उसके बाद जो है आप न्यूड काजल भी वैसे यूज़ कर सकते हो, ये 65 rupees का था, मैंने अमेजोन से लिया था। इसके बाद जो है मैं वो लोअर लैश लाइन जो है अप्लाई करूँगी। सेम जो है पेंसिल ब्रश या कोई फ्लैश शेडर ब्रश लेके आप ग्रे कलर जो है लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं बट मैंने ग्रे किया है। आप दोनों मिक्स भी कर सकते हैं, डिपेंड्स के आपको कैसा करना है। फिर उसको अच्छे से आप अप्लाई कर लो। फिर सेम जो मैंने वाइट शिमर पाउडर यूज़ किया था ऑन माय आईलिड, मैंने वो एज अ इनर कॉर्नर हाईलाइट एज अ यूज़ किया है। एंड देन मैं पूरा जो है बेकेज हटा के अपना पूरा फेस सेट कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं अपना कॉन्टोर सेट करूँगी शिवाना कलर्स का, ये 300 या 350 का मैंने पूरा सेट लिया था। इससे ये जो है थोड़ा सा लाइट कॉन्टोर कलर है इसलिए मैं कॉन्टोर लाइक जो कर रही हूँ उसके ऊपर करती हूँ तो थोड़ा डार्क इफेक्ट लगता है, तो मतलब एकदम ही ज़्यादा ओवर टॉप नहीं लगता। सब चेक कर सकते हैं कि आपका अच्छा लग रहा है वो। देन
उसके बाद जो है मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। फॉल्स लिश लगाने के बाद आप मस्कारा अप्लाई करेंगे तो आपका नेचुरल एंड जो फॉल्स लैशेज है दोनों मिक्स हो जाती है। तो ये द फैशन फैक्ट्री का है, आई थिंक सो, या द फैशन फैक्ट्री का मस्कारा है। ब्लू एंड अप लैश लैशेज पे अप्लाई करके मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। SFR का ब्लश है ये, मैंने अप्लाई किया है। जितना डिजायर हो आप उतना ब्लश लगाए, थोड़ा ज्यादा मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज्यादा लगाती हूँ। दैट इज अप टू यू, लाइक वट एवर थिंग्स इन विच एवर यू लाइक। देन मैं हाईलाइटर सेम पैलेट से अप्लाई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा व्हाइटिश हाईलाइटर है वो, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिक बोन एंड जो भी यूजुअल प्लेसेस है फोर हेयर, मैं सब जगह अप्लाई करूंगी फैन ब्रश की हेल्प से। आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगाया, मुझे थोड़ा ज़्यादा हेवी लुक चाहिए था इसमें। अगर आपको थोड़ा लाइट लुक चाहिए तो हाईलाइटर कम लगाइए, या तो अब जो है सिर्फ मस्कारा लगाइए, या लैशेस मत लगाइए, डिपेंड आपको जैसा चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। देन मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक स्टेक हुआ, क्योंकि मैंने लिपस्टिक्स में ऐसे एक शेड मैंने लिया है और लगाया है, ऑरेंजी शेड है। इसका भी जो है मैंने रिव्यू किया है, आप वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज डू चेक। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज आपको ये लुक कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। ये आप स्पेसिफिकली कोई भी ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं, ग्रे, वाइट, ब्लैक, नॉर्मली ये बहुत अच्छा लुक है, पार्टी लुक है। तो या अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।